नमस्कार छात्रों, आज हम अपने आठवीं कविता अपने गंध नहीं बेचूंगा बाल कवि बैरागी इन्होंने लिखी हुई देखेंगे। फूल कहता है कि मैं किसी भी हालात में अपनी गंध नहीं बेचूंगा, अपना स्वाभिमान नहीं बेचूंगा, चाहे फूल बिक जाए, उपवन बिक जाए, सौ फागुन बिक जाए, मगर मैं अपनी गंध नहीं बेचूंगा। जिस प्रकार लक्ष्मण ने सीता की रक्षा की थी, उसी प्रकार उस पौधे के कांटों ने फूल की रक्षा की। इसलिए वो फूल कहता है कि अगर मुझे तोड़ने का है तो उसका पहला अधिकार वह कांटों को देता है, उस फूल के पेड़ की डाली को देता है, और इसलिए वह कहता है कि मैं किसी भी हालात में अपनी गंध अपना स्वाभिमान नहीं बेचना चाहता। मौसम बदलते हैं, आते हैं जाते हैं, उसे उसकी कोई परवाह नहीं है, फिर भी वह कहता है दाता है तो देता रहेगा, लेता है तो लेता रहेगा, मगर मैं अपनी सौगंध कभी नहीं बेचूंगा। वह कहता है भौरे आते हैं, खुशबू लेते हैं, फूल को मंडी में ले जाने वाले उसकी नीलामी लगाते हैं, बोली लगाते हैं, उसे बेच देते हैं, उन सबको फूल चेतावनी देता है कि चाहे तुम लाख कोशिश करो, तुम सब कितनी भी कोशिश करो, फिर भी मैं अपनी गंध कभी नहीं बेचूंगा, अपना स्वाभिमान कभी नहीं बेचूंगा। इसलिए हमें भी मनुष्य को भी चाहिए कि जिस प्रकार फूल अपनी गंध किसी हालात में किसी कीमत में नहीं बेचना चाहता, उसी प्रकार मनुष्य को भी अपना स्वाभिमान कभी बेचना नहीं चाहिए। इस प्रकार इस काव्य में कवि बैरागी हमें संदेश देते हैं कि मनुष्य को किसी हालात में अपना स्वाभिमान नहीं बेचना चाहिए। धन्यवाद।